सातवां है कंपाउंड नंबर, संयुक्त संख्या या यौगिक संख्या। कंपाउंड नंबर मीन्स संयुक्त संख्या या यौगिक संख्या। इसको कंपाउंड को भी हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो संयुक्त संख्या या यौगिक संख्या क्या होती है? वैसी संख्या जिसमें स्वयं तथा एक के अतिरिक्त अन्य संख्या से भाग लग जाए वह कंपाउंड नंबर या कंपोजिट नंबर कहलाता है। वैसी संख्या जिसमें स्वयं तथा एक के अतिरिक्त अन्य संख्या से भी भाग लग जाए वह यौगिक संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल में 2, 4, 6, 8, 10, 12 इसी तरह से आगे चलते रहेंगे इन्फिनिटी तक। प्राइम नंबर में हम पढ़े थे एक और अपने आप को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से भाग नहीं लगे, लेकिन कंपाउंड नंबर में या कंपोजिट नंबर में तो एक और अपने आप को छोड़कर अन्य किसी दूसरी संख्या से भी भाग लगती है तो वह कंपोजिट नंबर कहलाती है। अभी जो पिछले एग्जांपल लिए थे तो 10 का, तो 10 क्या है? एक कंपोजिट नंबर है क्योंकि उसमें एक और अपने आप को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से भी भाग लग रही है। दूसरा देखेंगे कंप्लीट नंबर, संपूर्ण संख्या। वैसी संख्या जिसके सभी अपवर्तक का योग संख्या से दोगुनी हो। मीन्स संपूर्ण संख्या वैसी संख्या जिसके सभी अपवर्तक का योग संख्या से दोगुनी हो। जिसे एग्जांपल के रूप में 28 लेते हैं। 28 के अपवर्तक हैं 1, 2, 4, 7, 14 और खुद 28। तो कहती है दोगुनी हो जाए तो यहाँ पर ये सबको जोड़ कर देखिए। अपवर्तक है 28 का इतना, तो 1, 2, 2, 1, 3, 3, 4, 7, 7, 7, 14, 14, 14, 28, 28, 28, 56। तो दोगुनी हुआ, 28 हमें संख्या दिया हुआ है लेकिन जब इसको जोड़े तो कितना हुआ? 56 हुआ। एक बात और, वैसी संख्या जिसके सभी अपवर्तक को जोड़कर और उस संख्या को छोड़कर प्राप्त संख्या भी संपूर्ण संख्या कहलाती है। मीन्स जो यहाँ पे हमें 28 का जो अपवर्तक दिया गया है तो 28 को छोड़ करके और जितनी भी संख्या है यदि उसको जोड़े तो 28 ही पूरेगा। 1, 2, 1, 3, 4, 7, 14, 14, 14, 28। तो ये 28 के बराबर हो गया तो ये एक कंप्लीट नंबर कहलाया, ठीक ना। उसके बाद इसको एक बार और देख लीजिए, और में है ये वैसी संख्या जिसके सभी अपवर्तकों को जोड़ करके, सभी अपवर्तकों को जोड़ करके और उस संख्या को छोड़कर जिस संख्या का हम अपवर्तक निकाल रहे हैं प्राप्त संख्या भी हमें संपूर्ण संख्या कहलाती है। ये तो हमारा एग्जांपल दिया हुआ था भाई छोड़ करके, उसके बाद फिर इसको जोड़कर देखेंगे तो 28 ही पूरेगा। उसके बाद है नमा संयोगी विलोम, एडिटिव इन्वर्स। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एडिटिव इन्वर्स, संयोगी विलोम, एडिटिव इन्वर्स। जिन दो संख्याओं का योगफल शून्य हो और प्रत्येक एक दूसरे का संयोगी कहलाता है। मतलब जिन दो संख्याओं का योगफल शून्य हो वह एडिटिव इन्वर्स अपने आप का कहलाता है, संयोगी विलोम कहलाता है, अपने आप का ही एडिटिव इन्वर्स। यदि हमें एग्जांपल के तौर पर यदि एक दिया हुआ है तो उसका एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा -1, 2 दिया हुआ है तो -2, यदि हमें -1 दिया रहता तो इसका एडिटिव इन्वर्स होता 1, अगर एग्जांपल में हमें -2 दिया हुआ रहता तो इसका एडिटिव इन्वर्स होता 2, या 1 दिया है तो -1 और 2 दिया है तो -2। कहता है जिन दो संख्याओं का योगफल शून्य हो तो 1 ± 1, 1 ± 1 इक्वल टू 1 - 1 इक्वल टू 0, इस दोनों को जब हम जोड़ें तो हमें योगफल 0 प्राप्त हुआ। यदि योगफल 0 प्राप्त हुआ तो वह क्या कहलाया? संयोगी विलोम कहलाया, एडिटिव इन्वर्स। दूसरा एग्जांपल 2 ± 2 इक्वल टू 2 - 2 इक्वल टू 0, यह भी क्या है? 0 हमें प्राप्त हुआ तो यह भी संयोगी विलोम कहलाया। अगला है दसवां गुणात्मक विलोम, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। गुणात्मक विलोम का इंग्लिश होता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। जिन दो संख्याओं का गुणनफल एक हो, जिन दो संख्याओं का गुणनफल एक हो वह गुणात्मक विलोम कहलाता है। जैसे दो हमें एक संख्या दिया हुआ है, ठीक ना, तो दो का गुणात्मक विलोम एक होना चाहिए। तो दो का कैसे होगा? तो 2 × 1/2 करेंगे तो 2 का 2 एक कट गया, मेरा एक आया। तो 2 का गुणात्मक विलोम क्या है? 1/2। 4 का गुणात्मक विलोम क्या है? 1/4। यदि आपसे पूछ दिया जाए कि 2 का गुणात्मक विलोम क्या है तो आप क्या बोलेंगे? तो बताना है 1/2। यदि आपसे 1/4 का गुणात्मक विलोम पूछ दिया जाए
तो आप क्या बताइएगा? तो उसका चार, क्योंकि एक बटे चार का पूछ रहा है, तो गुना जब तक चार करेंगे तो इसका एक एक चार चार कैंसिल हो गया, तो एक हमें प्राप्त हुआ। तो जिसे एक बटे दो दिया है तो इसका गुणात्मक विलोम दो है, यदि दो दिया रहेगा तो गुणात्मक विलोम एक बाय दो होगा।